किसान यूनियन लोकतांत्रिक के पदाधिकारियों ने अपने क्षेत्र की 7 मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया की मांग की। अगर मांगे ना पूरी हुई तो आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। हरदोई कलेक्ट्रेट में आज पिहानी व टोंडरपुर विकास खंड के तमाम किसानों ने गौवंशों की समस्या को लेकर आज प्रदर्शन किया है और जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपा है। जिस प्रकार से आवारा गौवंशों के द्वारा किसानों की फसलों को बर्बाद किया जा रहा है, गौवंशों के द्वारा जिस प्रकार से फसलें बर्बाद की जा रही, किसानों की कमर टूट गई है, इन तमाम समस्याओं को लेकर आज 7 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा गया है, जिनमें कच्ची और जहरीली शराब को लेकर मनरेगा के तहत जिस प्रकार से प्रधान और ग्राम पंचायत अधिकारियों के द्वारा वृहद स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया उसको लेकर, वह पिहानी सहाबा जाने वाले जर्जर मार्ग को लेकर अयारी गांव में जिस प्रकार से जलभराव रहता है, अभी तक गड्ढाबुक्त नहीं किया गया है, उनको लेकर के आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। उसमें शौचालय की बड़ी समस्या रही है, जिसमें जिस प्रकार स्वच्छ भारत योजना के तहत सरकार द्वारा पात्रों को, गरीब लोगों को शौचालय मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन अभी तक गांव में ग्रामीणों को किसी प्रकार का शौचालय, जिसमें बड़े स्तर पर विकलांग ऐसे किसान हैं जिनको अभी तक शौचालय मुहैया नहीं कराया गया है, दूसरी किस्त नहीं दी जा रही है, तमाम प्रकार की समस्याओं को लेकर आज किसानों ने प्रदर्शन किया है कलेक्ट्रेट में और ज्ञापन सौंपा है। यह भी किसानों की मांगे हैं कि अगर सप्ताह भर के अंदर इन समस्त मांगों का निराकरण न किया गया तो बड़े स्तर पर किसान धरना प्रदर्शन और किसान पंचायतों को बेबस हों।